एक्शन न्यूज पहली नजर हर खबर। बीजेपी से बलिया के बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह और बलिया के बीजेपी सांसद बीरेन्द्र सिंह मस्त के आपस का विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। सुरेंद्र सिंह ने डीएम बलिया से बीरेन्द्र सिंह मस्त के भांजे की शिकायत की है और कहा है कि वह भूमाफिया है। उसने फर्जीवाड़ा करके 25 बीघा धार्मिक जमीन का बैनामा करा लिया है। विधायक सुरेंद्र सिंह की शिकायत पर डीएम द्वारा राजस्व की टीम गठित कर जांच के आदेश दिए गए हैं। बलिया के सांसद बीरेन्द्र सिंह मस्त और बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह के बीच विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। सुरेंद्र सिंह ने बलिया सांसद बीरेन्द्र सिंह मस्त के भांजे के खिलाफ धार्मिक जमीन को हड़पने की शिकायत डीएम से की है। सुरेंद्र सिंह ने डीएम से कहा है, बीरेन्द्र सिंह मस्त के भांजे ने बैरिया तहसील में लगने वाले धार्मिक मेले की 25 बीघा जमीन को किसानों से फर्जीवाड़ा करके रजिस्ट्री करवा ली है। सुरेंद्र सिंह ने डीएम से इस मामले में कार्रवाई करते हुए जमीन को मुक्त कराने की मांग की है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि बलिया के विधायक बीरेन्द्र सिंह मस्त का भांजा भूमाफिया है। उसने फर्जीवाड़ा करके धार्मिक मेले की जमीन को हड़प लिया है। मेरे यहाँ इब्राहिमाबाद उपरवार में 200 बीघा जमीन का जो है घोटाला हो गया है और 200 बीघा जमीन जो पशु मेले के रूप में थी, जो ग्राम समाज के रूप में थी, वहीं पर अग्निशमन केंद्र बना हुआ है, वहीं पर जो है राजकीय पॉलिटेक्निक बना हुआ है, वहीं पर वन विभाग का भी जमीन अलाट है। अभी भी कुछ बंजर भूमि 18 एकड़ के आसपास अभी अंकित भी है और उसमें कुछ विगत 25-30 वर्षों में कुछ भूमाफियाओं ने और अधिकारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने मिली भगत करके बसपा और कांग्रेस के शासन में अधिकारियों ने लोभी लोगों से मिलजुल करके और सबका जो है जैसे प्रसाद बांट दिया और उसी को जो है इसी घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए मैं आज जिलाधिकारी को अवगत कराया हूं कि मुझे खुशी है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय जो है राजस्व और आपके चकबंदी विभाग और सर्वे विभाग तीनों विभागों के अधिकारियों को की टीम बना करके, अब ये तो बताएंगे कौन सी टीम बना करके जांच करवाएंगे, वो जांच करवाने का बात है। घोटालेबाज कौन है और कौन कौन इसमें? अब हमारे क्षेत्र के कम से कम 100-150 लोग हैं, 100-150 लोग। तो 100-150 लोगों का किसका हम जन्म कुंडली बता मैं आपको। इसके पहले जो आपने बयान दिया था, आरोप लगाया था, वो नहीं, वो जो भाजपा सांसद है वो देखिए उनके भांजे रजिस्ट्री करवाए हैं। क्या नाम है उनका? उनका विनय सिंह नाम है। वो करवाए हैं, रजिस्ट्री करवाए हैं, लेकिन वो उनसे भी पहले तो दोषी वो है जो फर्जी नाम चढ़वाए हैं। भाई दोषी लोगों से जमीन लेना भी दोष है, लेकिन इससे भी बड़ा दोषी वो है जिसने फर्जी करके अपना नाम चढ़वाया। तो क्या इसमें आपको लगता है कि जो भाजपा के सांसद हैं उनकी भी कोई संलिप्तता है? ऐसा है, देखिए मैं ये सब चीज हम मुझको न्याय करवाना है, समाज के साथ न्याय होना चाहिए। जो इसमें इस गतिविधि में शामिल होगा, जो भी व्यक्ति शामिल होगा, उसको दंड मिलना चाहिए। मेरी यही नियत है, अब क्या होगा भगवान जाने और समय जाने। वहीं इस मामले में बलिया डीएम हरि प्रताप शाही ने बताया, बलिया के बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने जमीन का फर्जीवाड़ा होने की शिकायत की है। इस मामले में राजस्व की टीम को गठित कर दिया गया है, जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद अगर दोष साबित होता है तो कार्रवाई की जाएगी। विधायक जी के द्वारा एक पत्र दिया गया है कि बैरिया तहसील के इब्राहिमाबाद उपरवार गांव में गांव सभा की जमीन या सुदृष्टि बाबा पशु मेला से संबंधित जमीन कुछ लोगों द्वारा बैनामा लिया गया है और उस बैनामे में उनका ये कहना है कि वो गांव सभा की जमीन है और गांव सभा की जमीन पर फर्जीफिकेशन करके या पहले से किए हुए फर्जीफिकेशन के आधार पर ये बैनामा हुआ है। तो उनका ऐसा पत्र के माध्यम से यही अपेक्षा की गई है, संबंध में जांच कराकर और रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से सच्चाई पता की जाए और अगर वो ग्राम सभा और पशु मेला से संबंधित जमीन है तो उसको सुरक्षित रखा जाए। और उनके पत्र के आधार पर एक कमेटी राजस्व अधिकारियों की बनाई जा रही है जो क्रेता से और जो भी इसका आरोप लगा रहे हैं उन दोनों पक्षों की सुनवाई करें, जो भी राजस्व अभिलेख हैं, पत्रावलियां हैं, उनका निरीक्षण करें और वो करते हुए एक रिपोर्ट बना करके देखें।
निजाम, नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर।